अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम लोग जो रिव्यू लेके आए हैं, जो रिएक्शन लेके आए हैं, वो है टाटा की ईवी बस यानी इलेक्ट्रॉनिक बस। तो गाइस देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की टाटा अल्ट्रा अर्बन इलेक्ट्रिक बस के बारे में, जो कि अभी आपके सामने है, या फिर आप इसे कह सकते हैं टाटा स्टार बस ईवी। टाटा मोटर्स इसे बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का बनाया है, तो डिजाइन में सब कुछ आपको कवर कर दूंगा, फीचर कितने हैं, कितनी पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर है, चार्जिंग का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा मोटर्स इसके लिए प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करें, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक बस है, तो इसमें आपको मिलती है परमानेंट मैग्नेट एसी ट्रैक्शन मोटर, जिसकी पावर है 145 किलोवाट की, 194 बीएचपी की पावर बनाती है ये इलेक्ट्रिक मोटर। इसकी जो टॉप स्पीड आपको मिलेगी वो मिलेगी 75 kmph की, यानी कि 75 किलोमीटर पर आर की इसकी टॉप स्पीड टाटा मोटर्स क्लेम कर रही है। इस व्हीकल की जो ग्रेडेबिलिटी है वो है 17% की, एक तरीके से अच्छी है। अगर आप इसे फ्लाईओवर्स में ले जाते हैं तो वहां भी कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है। इसमें जो आपको रेंज मिलती है वो 151 किलोमीटर की इसमें रेंज मिल जाती है, तो ये करीब 6-7 घंटा आपका लेती है फुल चार्ज होने में। 6-7 घंटे में फुल चार्ज, नॉट बैड। ओवियम अगर आप देखेंगे, बहुत बड़े आपको उसमें ओवियम दिए गए। सेंटर में अगर आप देखेंगे, यहाँ आपको बहुत प्यारा सा टाटा मोटर्स का लोगो मिलेगा, जो कि इसको एक प्रीमियम फील देता है। टाटा मोटर्स की आपको क्रोम में ब्रांडिंग मिलेगी और फ्रंट की क्रोम स्ट्रिप आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको दिए गए इसके फुल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ये कुछ हेडलैम्प्स दिए गए, ईवी मेंशन्ड है आपके लिए, और ये इसके कुछ टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं। और एक तरीके से बहुत बढ़िया लग्जरी प्रोडक्ट है, एक आपको एलईडी डिस्प्ले फ्रंट में मिलती है। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर्स की ओर, इंटीरियर देखते हैं। और ये है इसके कुछ फुटबोर्ड, क्योंकि इसमें आपको एयर सस्पेंशन मिलते हैं, इसलिए इसकी जो ऊंचाई है ये कम ज्यादा की जा सकती है। ये है इसका कुछ डैशबोर्ड, जो कि टाटा मोटर्स ने अच्छी क्वालिटी का, इसमें पूरा आपको प्लास्टिक दिया गया, एक फाइन टेक्सचर्ड प्लास्टिक आप इसमें देख सकते हैं। एक आपको मॉनिटर यहाँ पे मिलता है, एक फैन प्रोवाइड किया गया है, और अगर आप स्टीयरिंग की बात करें तो ये है इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको सारी डिटेल देखने को मिलेगी। ये आप देख रहे हैं इसकी पूरी बैटरी का कितना परसेंटेज है, टॉप स्पीड देख पा रहे हैं आप इसकी 160 kmph है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी स्पीड को लिमिट किया गया है, लिमिटेड स्पीड है, 75 से ऊपर नहीं जाएगी। बार का प्रेशर यहाँ दिखा रहा है, और ये आप टेम्परेचर और बैटरी का फ्यूल गेज आप देख सकते हैं। ये सारे कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, SOS का यहाँ पर दिया गया है, कुछ कंट्रोल्स यहाँ दिए गए, स्टीयरिंग में बहुत सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। टाटा का लोगो भी दिया गया है। ड्राइवर सीट की बात करूँ तो ये कुछ इसकी ड्राइवर की सीट है, इसमें भी आपको अच्छा एक तरीके से कंफर्टेबल दिया गया है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर इसमें प्रोवाइड किया गया है, ये देख सकते हैं आप ब्रेक्स को, पार्किंग ब्रेक्स को अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पर आपको कुछ स्पेस इसमें प्रोवाइड की गई है। एक तरीके से अगर आप इसकी ड्राइवर विंडो की बात करें तो बहुत अच्छी व्यू में देख पा रहा हूँ। सेफ्टी के लिए आपको इसमें सीसीटीवी कैमरा दिया गया है, और एक एलईडी आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है, जिससे आपको पता चले कि क्या आपका स्टेशन आने वाला है, क्या है। एक देखिए, लोकल मेट्रो बस की तरह ये यूज होगी, लेकिन है इलेक्ट्रिक दी गई है, जो कि काफी अच्छे डिफ्यूजर के साथ मिलती है, यानी कि बहुत अच्छा एक आपको एनवायरमेंट अंदर ये देने वाली है। आपको देखिए सीसीटीवी कैमरा पूरा मिलने वाला है, जो कि सेफ्टी को बहुत ज्यादा ध्यान में रख के बनाए गए हैं। मैंने आपसे कहा कि इसमें 22 लोग खड़ा होकर जा सकते हैं, तो देखिए उनके लिए अच्छी क्वालिटी के ग्रैब हैंडल्स मिले, ग्रैब हैंडल भी रखे हैं, पाइपिंग मिलती है। अगर हम सीट्स के लिए स्टार्ट करें तो यहाँ से इसकी सीटें स्टार्ट होती है, रेगजीन्स की आपको पूरी सीट मिलेगी, ये आप इसके आर्मरेस्ट को देख सकते हैं, और ये इसका पूरा सीटिंग का लेआउट है काफी अच्छा। देखिए आपको पूरा सीटिंग का स्पेस मिलता है, सीट बेल्ट आपको इसमें दी गई है, मतलब प्राउड टू बी एन इंडियन की आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी दी जा रही है। और जो इसकी रेंज मैंने आपको बताई, स्टॉप के एंड में बटन भी लगे हैं, स्टॉप कर सकते हो अपने स्टॉप। और सीट्स अगर आप देखेंगे, ये है इसकी सीट्स, यहाँ भी देखेंगे प्रॉपर आपको इसमें सीटिंग प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर आपको कुछ सीढ़ियां दी गई है, स्टेयर केस देखिए पीछे जाते हैं अगर हम, तो सबसे पीछे वाली सीट में भी देखिए आपको जो आप सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर के प्लेसमेंट को, और ये तो जो आपको इसमें एसी के पूरे वेंट्स मिलते हैं, और जो कलर ऑप्शन इन्होंने यूज करा इसके लिए बिल्कुल ब्लू, ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। आप बताइए आपको कैसी लगी टाटा मोटर्स की स्टार बस ईवी। सो गाइस, ये थी टाटा मोटर्स की इस अपना बस, वो भी ईवी बस, इलेक्ट्रॉनिक बस, इलेक्ट्रिकल बस। सो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि आजकल जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, डीजल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें हर बंदा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की तरफ ही जा रहा है।
अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी आ गई हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो काफ़ी कुछ तरक्की कर रहा है इंडिया और देख के हमें बड़ी खुशी होती है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी देख के खुशी होगी और हमारा मुल्क भी जो है इसी तरीके से तरक्की करेगा एक दिन। उम्मीद पर दुनिया कायम है। सो गाइज, मुझे तो वीडियो बहुत अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।